इस वीडियो में हम इफ एंड ओनली इफ से बने स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करना सीखेंगे। माना कि पी एंड क्यू दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, तो हम पी इफ एंड ओनली इफ क्यू टाइप के स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। गिवन है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ एंड ओनली इफ इट इज इवन। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स होंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 2 जिसे पी से डिनोट किया गया है एंड नंबर इज इवन जिसे क्यू से डिनोट किया गया है। स्टेप 1 में हम पहले यह अज्यूम करते हैं कि पी ट्रू है। यहां गिवन है कि नंबर 2 से डिविजिबल है। हम कुछ नंबर्स लेते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी ये नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, अर्थात पी इज ट्रू। अब हमें यह प्रूफ करना है कि क्यू भी ट्रू है। क्यू यह गिवन है कि दिया गया नंबर इवन होगा। हम यहां देख सकते हैं कि सारे नंबर्स इवन हैं, यानी स्टेटमेंट क्यू भी ट्रू है। पी के ट्रू होने पर स्टेटमेंट क्यू भी ट्रू प्रूफ हो गया। दैट मीन्स पी इंप्लाइज क्यू ट्रू है। अब हम स्टेप 2 लेते हैं जिसमें पहले यह अज्यूम किया जाता है कि क्यू ट्रू है, यानी यहां ये सारे नंबर्स इवन हैं, जिससे क्यू ट्रू हो जाता है। अब हम यह प्रूफ करते हैं कि पी भी ट्रू है, यानी सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, जिससे यह प्रूफ हो गया कि पी भी ट्रू है। क्यू के ट्रू होने पर पी का ट्रू होने का मतलब है क्यू इंप्लाइज पी ट्रू होगा। एंड इन दोनों स्टेप्स के प्रूफ होने पर यह वैलिडेट होता है कि दिया गया स्टेटमेंट भी ट्रू है। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू वैलिडेट हो जाता है।